नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जीएसटी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार। राहुल ने जीएसटी को बताया एमएमडी यानी मोदी मेड डिजास्टर। पीएम मोदी ने मध्यम और निम्न वर्ग के लिए जीएसटी को बताया था लाभकारी। पाटीदार नेता नरेंद्र पटेल के ऑडियो टेप से हड़कंप। बीजेपी में शामिल होने वाले वरुण पटेल पर 1 करोड़ रिश्वत देने का आरोप। बीजेपी की तरफ से अभी तक नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। पीएम मोदी के मसूरी दौरे का आज दूसरा दिन। छात्रों और प्रशिक्षु अफसरों के साथ किया योगाभ्यास। ट्रेनी आईएएस अधिकारियों को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में की जबरदस्त फायरिंग। भारत की तरफ से भी करारा जवाब। वरिष्ठ पत्रकार विनोद वर्मा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। सूत्रों के मुताबिक वर्मा पर सीडी रखने और ब्लैकमेल करने का है आरोप। इंदिरापुरम थाने में हो रही है पूछताछ। बिना आधार कार्ड वालों को भी मिलता रहेगा राशन। केंद्र सरकार का राज्य सरकारों को निर्देश। लाभार्थियों की सूची से नहीं हटेगा नाम। कर्नाटक सरकार ने ट्रांसजेंडर्स के लिए राज्य की नीति 2017 को दी मंजूरी। समाज की मुख्य धारा में लाना है मकसद। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार तैयार किया गया मसौदा। सऊदी अरब ने एक रोबोट सोफिया को दी नागरिकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब ने उठाया कदम। नागरिकता मिलने पर रोबोट ने मुस्कुरा कर कहा थैंक यू। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत। साइना नेहवाल दूसरे राउंड में हुई बाहर। और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ संपन्न हुआ छठ का व्रत। 3 दिनों के उपवास के बाद व्रतियों ने खोला व्रत। पटना में लालू यादव ने भी पूरे परिवार के साथ मनाया छठ का त्योहार। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए टीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।